क्या सर, विद्यालय का काफी जर्जर स्थिति है। अब विद्यालय गिर रहा है, वर्षा होने से बहुत कमजोर हो गया है सब। पुराना भवन है सब, टूटा हुआ सब भी गिर रहा है ऊपर से जी। सब तो ऐसे में कभी भी छात्र के साथ या शिक्षक के साथ कोई हादसा हो सकता है। हाँ हाँ, हो सकता है जी, उसमें कोई तोहमत नहीं। और एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, जिसमें यह दिख रहा है कि कार्यालय परिसर में बाइक लगाया गया है, क्या मामला है? मामला तो बताया कि हो सकता है बारिश वरिश हो रही होगी या कुछ कारण होगा, वो तो बता देंगे डिटेल से। बारिश तो वहाँ बाइक लगा हुआ है सर, वहाँ वर्षा में बाइक कहाँ गिरा? तो बताओ कब का है बाइक लगा हुआ है? शुक्रवार की घटना है सर, शुक्रवार की। तो उनसे पूछा जा सकता है जी। किनका बाइक, किनका था जो ऑफिस में लगा हुआ था? बाइक के बारे में हम क्या बताएं, पता करने से होगा। मतलब कार्यालय में बाइक था, आपको जानकारी नहीं किसका बाइक? किसका बाइक, सबका नंबर हम थोड़ी नोट करें। कितने टीचर बाइक से आते हैं आपके यहाँ? आते हैं करीब 4-5 टीचर आते हैं। अभी तो एक ही बाइक दिख रहा है सर। हाँ, तो और सब गए होंगे जनगणना वगैरह कार्यक्रम लगे होंगे? सब जनगणना में गए होंगे। आज सवेरे छुट्टी हो गया क्या सर? छुट्टी सवेरे नहीं हुई, अभी भी चल रहा है। क्या सर, अभी भी क्लास चल रहा होगा? कोई लड़का है, कुछ लड़का है। कितने लड़का भी पढ़ा रहा है? कितने लड़का भी आया हुआ है पढ़ने के लिए? टेंथ में तो अभी उधर देखने से पता लगेगा। फिर भी अनुमान आपको नहीं? अनुमान होगा 30-40 लड़का होगा। टोटल कितना एडमिशन है सर? एडमिशन तो 800 है। 800 और प्रेजेंट मात्र? प्रेजेंट अभी फिलहाल अभी के समय में 40 मात्र। क्यों सर, अगर 40 बच्चे प्रेजेंट हैं सर, तो क्या ऐसे में क्या शिक्षा का गुणवत्ता होगा सर? विद्यालय को क्लास में रहना चाहिए और 760 बच्चे भी रहना चाहिए। बच्चे भी रहना कुछ नहीं चाहते हैं, क्या है कुछ भागते हैं, क्या करते हैं जी। अभी शिक्षक जो है अभी क्लास लेकर के आए हैं, फॉर्म फिलअप हो रहा है इंटरमीडिएट का, उसमें भी थोड़ा डिस्टर्ब है जी सर। तो इसी कारण से बच्चा को बोले कि घर चल जाओ। बच्चा को हम क्यों बोलेंगे घर जाने के लिए? हम जा रहे हैं यहाँ से, जो बच्चा को बोलेंगे। मतलब क्लास नहीं हुआ इस कारण से? क्लास भी चल रहा होगा ना, चल तो रहा क्या है क्लास। आखिर आपको नहीं लग रहा है सर कि 800 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिशन है सर, ओनली 40 स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता। हाँ, आप आए थोड़ा देर और पहले आते, अभी सब चले गए हैं जनगणना। हम बार बार तो बोल रहे हैं कि जनगणना टीचर चले गए, स्टूडेंट के तब स्टूडेंट अकेले बिना टीचर का क्या हो सकता है सर? आप प्रधानाचार्य हैं, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी तो होनी चाहिए, जानकारी तो हम बता रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं भाग भी जाते हैं जी। 2-3 घंटे करते हैं, उसके बाद आज शनिवार है निकल गए, उसके बाद फॉर्म भी फिलअप हो रहा था, कुछ फॉर्म और ऐसा देखा जा रहा है सर विद्यालय में, कहीं जगह थूक उक फेंका हुआ है। कौन गुटखा खा के कौन आते हैं? गुटखा खा के टीचर तो नहीं आ रहे हैं। देखिए ना आपके पीछे थोड़ा सा आइएगा भैया, वो देखिए सर सामने, आपके सामने देखिए टीचर होंगे। अब हम यहाँ समूचे, हम एक प्रधानाचार्य मान लिया है, हम तो कहीं एक ही जगह नहीं देखेंगे, पूरा रूम तो नहीं देखते नहीं, सर, पूरे स्कूल के जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, हम मानते हैं बात को, लेकिन हमारी नज़र चारों तरफ नहीं रह सकती है बराबर। हमें भी बहुत सी जिम्मेदारी दी जाती है, ऑफिस का कार्य रहता है, वो डीओ ऑफिस का रहता है और कहीं का रहता है, लड़का से संबंधित होता है, कहाँ कहाँ एक हेडमास्टर। अब उसमें भी तो क्या आपको और भी सहयोग करने के लिए हेडमास्टर चाहिए? हेडमास्टर अपना चाहिए, हेडमास्टर जो है वो रहेंगे, हम हेडमास्टर नहीं है, हम प्रभारी हैं। प्रभारी, हाँ प्रभारी, जो हेडमास्टर का काम होता है अपना रहेंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है सर, शिक्षक कक्ष के ठीक सामने गुटखा खाकर थूकना, ये विद्यालय परिसर में कहाँ तक उचित लग रहा है? कहाँ तक हम क्या बतावे, अब किसी को तो हम देख नहीं रहे हैं, आप भी आए हो सकता है, आप में से कोई होंगे जी, या कोई गेस्ट आए हैं उनमें से कोई होंगे जो फेंक करके गए होंगे, तो किनको हम क्या कहाँ देखते रहे, हम चारों तरफ घूमते तो नहीं रहेंगे गार्जियन के तरफ, या आप ही लोग आए हैं तो आपके साइड तो हम नहीं घूमते रहेंगे, आप संजोग से मिल गए यहाँ तक जी, बातचीत हो रही। क्या परिचय हुआ आपका सर? हम यहाँ प्रभारी हैं। प्रभारी क्या नाम हुआ आपका सर? मनोज कुमार साहब।